Bye. <laughs> को अलख आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश आप सभी को आदेश आदेश ओम नमः श्री चंडिकाया ओम नमः श्री चंडिकाया ओम नमः श्री चंडिकाया मतलब भगवती चंडी को नमस्कार है नवारण मंत्र का जब जाप कर रहे हैं तो शुरुआत में इसका उद्बोधन होना चाहिए ओम नमः श्री चंडिकाया आप सबको पता नवारण मंत्र मतलब ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच ओम ऐम ह्रीम क्लिम चामुंडाए विच्चई ओम ऐंग ह्रीम क्लिंग भी लोग बोलते हैं उसका अलग अलग विधि और व्यवहार लोग बताते हैं कि क्यों एम और इंग का प्रयोग होता है लेकिन मूलभूत बात यह है कि अलग अलग गुरु परिवार देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग भाषाएं थी और अलग अलग व्यवहार विचार थे जिसके चलते ये प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आया लेकिन संस्कृत के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ओम एम ह्रीम क्लिम चामुंडाय विच्चय इसका जाप हम लोग करेंगे तो शुरुआत में तीन बार उद्घोष करेंगे ओम एम ह्रम क्लिम चामुंडाय विच्चय का और उसके बाद भगवती के सामने नौ दिन का अखंड ज्योत जलाएंगे घी का और उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे ओम ऐम आत्मतत्व शोभ्यामी नमः स्वाहा ओम ह्री विद्या तत्व शोभ्यामी नम स्वाहा स्वाहा क्लिम क्लीं शिवतत्म शोभ्यामी नम स्वाहा ओम ऐँ क्लिम सर्व शोभ्यामी नम नमः स्वाहा ठीक है इसके बाद पंच पूजा पूर्ण करेंगे धूप दिखाएंगे भगवती को नवेद चढ़ाएंगे इत्र देंगे और जल देंगे ठीक है इसके बाद नवारण मंत्र का विधान शुरू करेंगे नवारण मंत्र का जो विधान है उसमें है कि नवारण मंत्र आप पूर्ण विधान से 108 या 1000 हजार बार आठ बार दुर्गा सप्शती के पाठ के शुरुआत में और 1008 या 108 बार दुर्गा सप्शती के अंत में पढ़ेंगे तो आज के व्यस्त जीवन में ठीक है जो नौ दिन हम लोगों को नवरात्र का मिलता है चार बार ठीक एक बार ग्रीष्म ऋतु में एक बार शरद में और दो गुप्त इसमें तीन तीन घंटा सब दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि पूर्ण रूप से संस्कृत है तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती के बदले हम लोग कुंजिका स्त्रोत्र का पाठ करते हैं कुंजिका स्त्रोत्र में ये माना जाता है कि उसके स्त्रोत्र मात्र से जो कील कवच अर्गला और दुर्गा पाठ का फल मिलता है ये एक शॉर्टकट है ठीक है लेकिन क्योंकि आपको दो बार करना है तो बीच में आपको कुंजिका एक बार पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो कैसे शुरुआत करेंगे पंच पूजा कर लिया उसके बाद राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे और उसके बाद विनियोग करेंगे मंत्र है श्री ओम अस् श्री नवारण मंत्र ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषय गायत्री ऊष्ण अनुष्टुप छांसी श्री महाकाली महालक्ष्मी महा देवता ऐं बीज ह्रीं शक्ति श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनयोग क्लियर है श्री गणपतिर्जय जयति ओम श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषयः गायत्री उष्णक अनुष्टुप अनुष्टुपंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता बीजम रिम शक्ति, क्लिम कीलम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनय योग इतना बोल के जल को जमीन पर गिरा देंगे उसके बाद न्यास करेंगे क्या ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषभ्यो नमः सिरसी तो अपने राइट हैंड के चारों उंगली से सर को छुएंगे ठीक है गायत्री उष्णक अनुष्टुप चंदन मुखे फिर मुख को छुएंगे मतलब होठों को छुएंगे हाथ से श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमा हृदय तो हृदय को छुएंगे ठीक है एम बी जाए नमः गुई है तो पूछा स्थल को छुएंगे जहां से पूछ निकलता था पहले हम लोगों का ठीक है रीढ़ की हड्डी का अंत रिम शक्त नमः पदयो मतलब दोनों पैरों को छुएंगे उसके बाद क्लिम कीलाय नबा का स्पर्श करेंगे उसके बाद हाथ लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जल लेंगे एम ओम एम ह्रिम क्लिम चामुंडाई विचय करके और अपने हाथ को धो लेंगे इसके बाद करेंगे कर्णयास उसमें क्या करना है अपने आ, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर से जो आपका थम है दोनों हाथ का उसके रूट पर उंगली रखें मंत्र बोलेंगे ओम एम अंगुष्टाभ्याम नम और उसके बाद रूट से लेकर के उसको टिप तक अंगूठे के ले जाएंगे ठीक है ये सिर्फ अंगूठे में होगा उसके बाद जो चार उंगली का हम कन्यास करेंगे तो अंगूठे को हर उंगली के रूट पर रखेंगे और उसके बाद उसको रगड़ते हुए टिप तक ले जाएंगे तो फिर ओम ह्रीम तर्जनी भ्याम नमः तो अंगूठे से तर्जनी का स्पर्श करेंगे ओम क्लिम मध्य भ्याम नमः तो अंगूठे से मध्यमा का स्पर्श करेंगे फिर ओम चामुंडाय अनामिका भ्याम नमः तो फिर अनामिका का स्पर्श करेंगे ओम विचय कनिष्ठ नमः तो जो लिटिल फिंगर है उसका स्पर्श करेंगे उसके बाद दोनों हाथों को एक दूसरे से मलते हुए बोलेंगे ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचय करतल कर नमः आगे पीछे दोनों हाथ को छुएंगे अपने एक दूसरे को हाथ से फिर आएगा हृदय क्या करना है ओम नमः तो पांचों उंगली से अपने हाथ का जैसे पहले हमने चार उंगली से किया था इस बार पांचों उंगली से हृदय का स्पर्श करेंगे फिर ओम ह्रीम सिर से स्वाहा तो सिर का स्पर्श करेंगे ओम क्लीम सिखाया वसट तो शिखा का स्पर्श करेंगे अगर नहीं भी शिखा रखा है तो जहां पे शिखा होता है वहां के कुछ बालों को पकड़ के उसके बाद उसको छुएंगे ओम चामुंडाए कवचाय होम तो राइट हैंड को रखेंगे लेफ्ट शोल्डर पे और लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट शोल्डर पे ओम विचय नेत्राय वसट इसमें क्या करना है कि इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर जो राइट हैंड का है उससे राइट आई पीनियल ग्लैंड मतलब थर्ड आई और जो लेफ्ट आई है उसको कंसेक्यूटिव आप छुएंगे ठीक है एक साथ तीनों को उसके बाद एम हिम क्लिम चामुंडाई विचय अस्त्र तो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को राइट हैंड कर लेंगे उसको अपने सर के ऊपर से तीन बार घुमाएंगे और फिर लेफ्ट हैंड पे तीन बार ताली बजाएंगे इसको तांत्रोक्तर विधि में कॉल और जो तारापीठ के तांत्रिक का जो विधि है उसमें सर के चारों तरफ ना घुमा करके हाथ लेफ्ट हैंड के ही चारों तरफ राइट हैंड को घुमा करके उसके बाद तीन बार ताली बजा लेते हैं लेकिन हम जब करते हैं तो अपने सर के ऊपर से तीन बार राइट हैंड को घुमाते हैं उसके बाद अच्छा न्यास ओम एम नम शिखायाम तो फिर शिखा का स्पर्श करेंगे ओम ह्रीम नम दक्षिण नेत्रे तो दक्षिण नेत्र का स्पर्श करेंगे ओम क्लिम नमः वाम नेत्रे तो वाम नेत्र वाम का मतलब लेफ्ट होता है लेफ्ट आर्क का हम स्पर्श करेंगे फिर चाम नमः दक्षिण करने फिर दक्षिण कर्ण का कान का स्पर्श करेंगे ओम मूंग नमः वाम करने तो जो लेफ्ट ईयर है उसका स्पर्श करेंगे ओम डाम नमः दक्षिण नासापुट तो नाक का स्पर्श करेंगे राइट हैंड साइड ओम यम नमः वाम नासापुट तो लेफ्ट हैंड साइड का नाक का हम स्पर्श करेंगे ओम वीम नमः करेंगे और ओम नमः तो फिर टेल बोन का स्पर्श करेंगे ठीक है उसके बाद ऋण करेंगे मतलब दिशाओं को प्रणाम तो दिशाओं का प्रणाम में क्या ध्यान रखना है कि जो सप्शती में बताया गया है उसमें बताया गया है ओम प्राचय नमः मतलब दिशा को जब जगाना आप शुरू करेंगे तो प्राचय से करेंगे प्राचय का मतलब अगर शब्दार्थ में हम जाते हैं तो आपका ईस्ट डायरेक्शन होता है जिधर से सूर्योदय होता है मतलब ये मान के चल रहा है कि आप जब भी नवारण मंत्र का जाप करेंगे तो नॉर्थ से करेंगे लेकिन ये एक डेफिनेशन है प्राचय का जब आप कर्मकांड के हिसाब से डेफिनेशन समझते हैं तो आपके और ईस्ट जो जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उनके बीच की दिशा तो जैसे मैं जब पूजा करता हूं तो मेरे ईस्ट घर में वो नॉर्थ ही बैठे हैं तो मेरा प्राचय जब भी होगा तो वो ईस्ट ही दिशा में होता है तो अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके पूजा कर रहे हैं तो आपका प्राचय जो है वो आपका साउथ होगा लेकिन अगर दोनों में एक चुनना हो तो आप नॉर्थ की तरफ मुख करके पूजा शुरू करें तो ओम एम प्राचय नम ओम अग्न्यय नम ओं भ्रृ दक्षिण नम ओं भ्री नैत्रय नम ओं क्लि प्रत्यच नम ओं क्लिंवाद्यय नम ओमुंडाए उदच्च्यय नम ओमुंडा ऐश्नेीं क्लीं चामुंडाई नम ओं ऐम भ्री क्लि चामुंडाई विच्च्रूम्यई नम इसके बाद एक एक करके सब दिशाओं में आप चुटकी बजाएंगे अंत में भूमि और आकाश में पहले आकाश फिर भूमि पे आप चुटकी बजाएंगे इसके बाद जो विधान है उसको कहते हैं ध्यान का विधान ध्यान जो दुर्गा सप्तती में बताया गया है वो अलग अलग जो पार्ट के जो चैप्टर्स है उससे निकाल कर एक एक मंत्र से भगवती का स्वरूप सजाया गया है लेकिन मेरा ये मानना है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसमें यह है कि जो व्यक्ति इस स्थान तक पहुँच गया जहां उसे पता है कि उसे नवार मंत्र का जाप करना है वो व्यक्ति अपने मन में भगवती की एक छवि बैठा के रखता है कि भगवती अगर दिखती होंगी तो ऐसे दिखती होंगी तो उस छवि का अपने आज्ञा चक्र पर और सहस्त्र चक्र पर ध्यान करें कि सहस्त्र चक्र पर मेरे भगवती विराजमान है और इस स्वरूप में है जो भी स्वरूप आपके मन में भगवती के है उस स्वरूप का ध्यान करें ठीक है उसके बाद एक कपड़े में लपेट करके या फिर एक थैला जो होता है जो गौमुख होता है उसमें हाथ डाले और उसमें रुद्राक्ष की माला रखें सुबह में और जब शाम की पूजा करें तो इस की माला रखें और एम अच्छा नमः इस मंत्र से माला की पूजा करें मतलब एक हाथ से अगरबत्ती दिखाएं दिखाए माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वरष् तव्ययी नतातस्य मामे सिद्धदा भव ओम अभिघ्न माले तम गृहनामे दक्षिण करे जब काले चौ सिर्तम प्रसिदम सिद्ध मतलब जप करके मैं आपके दक्षिण और इस जप को दूंगा मैंने ये पहले बताया था कि भगवती का बहुत सारा मंत्र किलित है ठीक है और कीलन को हटाने का सबसे आसान उपाय होता है कि भगवती को जाप समर्पित करके वापस ले लीजिए प्रसाद रूप में ठीक है ओम अक्ष मालाधिपते देहि देहि सर्व मन पुत्रात तो साधनी साध्य साध्य सर्व सिंधि परिकल्पे परिकल्पे में स्वाहा ऐसा बोल करके फिर मंत्र का जाप करेंगे एक हजार आठ बार ओम एम रिम क्लिम चामुंडाय विच्चई ये तो आप लोग सब जानते हैं ओम एम रिम क्लिम चामुंडाय विच्चई ऐसा करने के बाद एक बार सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करेंगे शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्षामी कुंजिकास्त्रोत्रुत्तम येन मंत्रेन चंडीजापुभ भवत्व नागलास्त्रोत्र कीलक नकम न सूक्त ना ध्यानमें चन्नस न वाचनम फलम् लभेत् लभे अतिगुह्यतरम देवी देवा दुर्लभम गोपनीय प्र ैन् सौ योनिरवपार्वती मारणं मोहनं वंशनं स्तम्भोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् अतः मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालये ज्वालये ज्वलै ज्वलै प्रज्वल ऐं ह्रीं चामुंडाई चामुंडा ज्वल हम छम फट स्वाहा इति मंत्र नमस्ते रुद्र रूपन्ये नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारण्ये नमस्ते महिषादिनी नमस्ते निसुम्बासुर घातनी जागृत महादेवी जपम सिद्धि सृष्टि ऐंकृष्टिपा ह्रींकारी प्रतिपालिका काम कारी बीज रूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती चय कारी वरदायदा नि नमस्ते मंत्र मंत्रिणी धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम वा वी वो वागिधेरी क्राँ क्रीं क्रोँ कालिकाी शा शी हुम मे हुम, हुम का हुकारू्य जम 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 भनादनी भ्राम ब्रीम ब्रुम भैरवी भद्रे भवान्यई ते नमो नमः अम कम चम टम तम, तम, तम पम यम शम वीम दूम एम वीम हम छम धी जाग्रम धी जाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा शाम शीम शुम शपशती देवी मंत्र सिद्धम गुरश में इदम तु कुंजिका स्त्रोत्र मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दातव्यम गोपित रक्षा पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हिनाम सपसती पठे न तस्ते सिद्धि आरण्य रोदनम यथा इति श्री रुद्रमाले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंज का स्त्रोत्र संपूर्णम श्री रुद्रमल तंत्र ये वो किताब है जहां से दुर्गा सप्शती तक को उठाया गया है मतलब जो अंश है दुर्गा ये इसी का है तो इतना करने के बाद आप फिर से एक हजार आठ जाप करने के लिए उनके लिए मैं बता रहा हूं जो ज्यादा से ज्यादा इसको करना चाहते हैं ठीक है मतलब जो चाहते हैं कि एक दिन में चार हज़ार के ऊपर जाप करें जिनको दो हज़ार जाप करना है उनको ये करने की जरूरत नहीं है ये जाप करने के बाद जो अंत में मंत्र बताऊंगा नवारण मंत्र समर्पित करने का बस उतना करके छोड़ सकते हैं ठीक है इतना करने के बाद फिर से हम विनियोग करेंगे श्री गणपतिर जयती ओम श्री नवारण मंत्र से ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषि गायत्री उष्णक अनुष्टुप छंदन श्री श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एम बीजम ह्रीम शक्ति क्लीम क्लम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीतिर्थ्य जब विनियोग ठीक है उसके बाद ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषि नम ये वाला फिर कर्णयास करेंगे ओम एंगे कुभ्याम नमा ओम हृम तर्जनभ्याम नमः ठीक है फिर हृदया न्यास करेंगे ओम ऐम हृदय नमा ओम हृम सिरसि स्वाहा फिर अक्षर न्यास करेंगे ओम ऐम नमा शिखा ओम हृम न दक्षिण नेत्रय वाला फिर दंड न्यास करेंगे जिसमें की दिशा जगाते हैं ओम ऐम प्रत्यय नमः ठीक है इतना करने के बाद भगवती का ध्यान करेंगे और फिर से ओ ऐम ह्रीम अक्ष नमः ये मंत्र बोल करके और जो मंत्र है वो ओम माले महामाए वो भी पूरा पढ़ेंगे फिर एक सौ आठ बार या एक हज़ार आठ बार जो भी आपका संकल्प है उस हिसाब से फिर से भगवती नवारण मंत्र का हम जाप करेंगे भगवती का फिर भगवती के राइट हैंड साइड में माला को रखेंगे और उसके बाद तो मतलब जो भी आपकी आपकी मूर्ति है या फिर आपका माला है या दीपक आपने लगा के रखा है जो भी उसके राइट हैंड साइड में अपने माला को रख के बोलेंगे गुह्या गुहिया गोपत्रितम गृह स्मम कृतम जपम सिद्धिर्भव में देवी तत्प्रसादे महेश्वरी सिद्धिर्भव में देवी तत्प्रसादे महेश्वरी सिद्धिर्भव में देवी तत्प्रसादे महेश्वरी ऐसा बोल करके हम लोग अपना मंत्र समर्पित करके फिर उस माला को वापस ले लेंगे तो जाप मेरे पास वापस आ गया ठीक है उसके बाद भगवती का कपूर से आरती करेंगे बहुत नहीं आता है तो कर्पूरगौरव कर्णावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसतम हृदयरविंदे भवम भाई सहित नमामी भवम भावी सहित नमा भव भानी सहित नमा मंगल भगवान शंभु मंगल वृषभद्वज मंगल पार्वती नाथों मंगलाय तनोहरा सर्वंगल मंगलिएय शिव सर्वा तो शारदिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वंगल मंगलिए शिव सर्वा तो शारदिके शरण्य त्रंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र से आप भगवती को पुष्प चढ़ाएंगे अंत में ठीक है और इतना करने के बाद आवाहनम न जाना न जाना विसर्जनम पूजाम चैव न जाना क्षम्यता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूज्यतम परिपूर्ण तदस्तु में फिर ओम नम श्री चंडिकाया ओम नम श्री चंडिकाया ओम नम श्री चंडिकाया, चंडिकाया ऐसा बोल करके पूजा को विराम देंगे जल लेकर के तीन बार जो है जो पूजा जहाँ पे किया है दीपक और प्रसाद पे छीट देंगे ठीक है ये था नवारण मंड का पूर्ण विधान आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव साधना अगर आप शुरुआत करने वाले हैं तो आपके लिए ये ग्रुप जुड़ से जुड़ना उचित है इसमें हम आसान मनुष्य सभी कुछ को सिखाते हैं जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर या डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर या गूगल स्टोर से उसमें रूद्रना टी फिर आप सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा तो आप इस पर मुझसे बात कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट डॉट कॉम ये मेरा वेबसाइट इस पर भी कई जानकारी अभी आने वाले समय में आप सभी को भगवती प्रसन्न रखे ऐसी मेरी प्रार्थना आप सभी को आदेश आदेश आदेश